पुलिस अधीक्षक श्रीमान किरीट राठौर के द्वारा नशा तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज रॉबर्टसगंज में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सीपी पांडे और गुवारी चौकी प्रभारी सुजीत मिश्रा को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि बनारस की तरफ एक व्यक्ति हिंदवारी में आकर भारत पेट्रोल पंप के पास उतरकर पैदल ही बिछी गांव की तरफ जा रहा है, जिसके पास जिला फिरोजाबाद के सिरसागंज में पहली पाली और दूसरी पाली में हुई टीटी परीक्षा 2018 सिरसागंज के महावीर दिगंबर जैन इंटर कॉलेज, क्षेत्रीय इंटर कॉलेज और गिरधारी इंटर कॉलेज में हुई शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा आयोजित की गई। फिरोजाबाद जिले के सिरसागंज में 3 परीक्षा केंद्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित। परीक्षा में पुलिस और प्रशासन के व्यापक बंदोबस्त दिखाई दिए। तमाम अधिकारी परीक्षा को सकुशल सम्पन्न कराने में जुटे रहे। पहली और दूसरी पाली में शांतिपूर्वक परीक्षा को सम्पन्न किया गया। यूपी के फतेहपुर जिला के त्रिवेणी सिलेक्शन कंपनी में काम करने के दौरान शेखपुरा जिले के चेवाड़ा प्रखंड के लोहान पंचायत अंतर्गत लोहान और गगौरा गांव से काफी संख्या में मजदूर मजदूरी करने जाते हैं, लेकिन सुरक्षा के मानकों का ख्याल कंपनी द्वारा नहीं रखा जाता, जिसके कारण त्रिवेणी सिलेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 8 नवंबर की सुबह बॉयलर फटने से कंपनी में आग लग गई और इस आग में झुलस कर दर्जन भर के ज्यादा मजदूर वहां पर घायल हो गए। फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में एक बिनकी जगह है, बिनकी में एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है त्रिवेणी सॉल्वेक्स प्राइवेट लिमिटेड। उसी में लोहान का 4 मजदूर था, तो वो हमारे पड़ोसी गाँव है टोला है गगौरा, वहाँ का 2 मजदूर था, 6 वो में मजदूर में 5 का तो हो गया है। अच्छा जो है भैया शिक्षक पात्रता परीक्षा के चलते आज कई जगह जाम लगा रहा। बड़ौद की छपरौली छपरी तथा बड़ौद के कोताना रोड पूर्व यमुना लहर पर बाईपास एवं बागपत गोरीमुर मोड़ पर जाम लगा रहा, जिसमें घंटों तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रही और बड़ौद नहर पुल परवाड़ू सेतु खुलवाने के लिए काफी पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राम मंदिर पर आया एक नया बयान। देश में अगर राम भक्ता एकता दिखाए तो राम मंदिर बनने में 72 वर्ष नहीं लगे। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर अभी तक नहीं बनने के लिए अगर उद्देश्य है तो वह सनातन धर्म और राम मंदिर है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर देश में राम भक्त एकता दिखाई होती तो राम मंदिर बनने में कोई रोक नहीं सकता था। लाचार हूँ दुखी हूँ कोर्ट भी इतना समय आगे क्यों लगा रहा है। नगर में आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पधारे। उन्होंने प्रमोद गोस्वामी की आवाज़ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने जनसंख्या वृद्धि पर कानून को बनाने के लिए पुरजोर मांग की और कहा कि जनसंख्या वृद्धि कानून के रास्ते में जो रोड़ा अटकाएगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगामी 2 दिसंबर को पटना में आयोजित टेली हुंकार रैली की सफलता को लेकर प्रदेश अध्यक्ष रणविजय साहू वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने कार्यक्रम की सफलता पर जोर दिया और कहा कि समाज में लोगों को सत्ता में भागीदारी के लिए पार्टी टिकट देगी, हमारा समाज इसी को समर्थन करेगा। नवादा के हिजुआ में ठेकेदारी सम्मेलन आयोजित की गई। ठेकेदारों ने कार्यक्रम में अपनी समस्याएं रखी। संघ के अध्यक्ष मिठू ठेकेदार ने कहा ठेकेदारों के हक और सम्मान के लिए अब ये संघ लड़ेगा। अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर 2010 के बाद पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम। शनिवार को ग्रुप बी के अपने अंतिम लीग मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी तक की सबसे कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बिंद्रे और अभिनेता इमरान खान उन्हें कैंसर का इलाज करा रहे हैं। सोनाली इमरान के बाद एक और एक्ट्रेस हैं जो कैंसर से जिनकी जूझने की खबर सामने आ रही है। दिग्गज अभिनेत्री नसीफा अली ने जानकारी दी है कि वो तीसरे स्टेज से ओवेरियन कैंसर से पीड़ित हैं।